नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। मेरा नाम है दीपशिखा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे CHS के बारे में और दूसरी बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें। तो ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले CHS एंट्रेंस के बारे में। CHS का फुल फॉर्म है सेंट्रल हिंदू स्कूल और यहाँ पर क्लास 6, 9 और 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। CHS एंट्रेंस की तैयारी आप कैसे करें ये आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। उससे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CHS क्लास 9 के सिलेबस के बारे में। इसका फॉर्म कब आता है और इसके आंसर की कब आती है, रिजल्ट कब आता है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास 9 के ऊपर हम देखेंगे सिलेबस। सबसे पहले इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फॉर्म आपका आता है फरवरी में, फेब के लास्ट वीक से लेकर आपका जो है मार्च के बीच आपके फॉर्म आ जाते हैं। और फॉर्म फीस की बात करें, ये जनरल और OBC इन सभी कैंडिडेट के लिए 400, SC और ST स्टूडेंट के लिए 200 रुपए इसकी फॉर्म फीस होती है। इसका एंट्रेंस एग्जाम लगभग मई में होता है, ठीक है, मई में कंडक्ट होता है आपका ये एंट्रेंस एग्जाम और इसके एडमिट कार्ड उससे एक हफ्ते पहले आ जाते हैं, मतलब अप्रैल के लास्ट तक में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो चलिए, तो हमने फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आपका जो है एंट्रेंस जो होता है ये आपका मई में होता है और जून में आपकी काउंसलिंग या फिर आप कह सकते हैं एडमिशन, जो भी आपको सही लगे, मतलब वो आपका जून में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये CHS एंट्रेंस एग्जाम है। आपका जो पेपर पैटर्न है ये MCQ टाइप होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस सब्जेक्ट से आते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ के 20 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस, इससे भी 20 क्वेश्चन। तो मैथ और साइंस के बारे में उसके आगे बढ़ते हैं इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन और GK जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात कर लें इंग्लिश हिंदी की, तो जैसे आपका ग्रामर होता है, हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची और आपके अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे व्याकरण से संबंधित। और इंग्लिश में बात करें तो आपके नाउन, प्रोनाउन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं आपके। और करेंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस टाइम PM कौन है या फिर गवर्नर कौन है, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको सभी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि आपके जो क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, GK, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये नेगेटिव मार्क नहीं है। और पेपर आपका पूरा 2 घंटे का होता है, 2 आवर का आपका पेपर होता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंडिया एजुकेशन हब आपके लिए लेकर आया है सुपर 100 बैच। इस बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारे इस सुपर 100 बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस, उसके अलावा आपको PDF, नोट्स, स्टडी मटेरियल, और आगे लाइव क्लासेस हमने बात कर ली, ऑनलाइन क्लासेस, PDF, नोट्स, स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा।
क्वेश्चन पेपर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको ये पूरा इतना कुछ आपको तो मिलेगा ही। उसके अलावा आप अपना जो है मूल्यांकन कैसे जांच सकते हैं कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, उसके लिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं देख सकते हैं। यहाँ पर वीकली टेस्ट आपका होगा, मंथली टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, तो इन सब के द्वारा आप अपना जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, या कितना इम्प्रूवमेंट है। इससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में एक बेटर स्कोर आप कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो टफ कॉम्पिटिशन है आप उसमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये सभी वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मॉक टेस्ट देने से पता चल जाएगा। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर इंडिया एजुकेशन हब लेकर आया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो और प्रॉपर गाइडेंस आपको हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको गाइडेंस होना बहुत जरूरी होती है। तो इंडिया एजुकेशन हब आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग तक। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। दिवाली के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे जुड़ सकते हैं आप। हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप ये सुपर 100 बैच जरूर ज्वाइन करें। और यहां पर मैं एक और बात आपको बता देती हूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरे ये अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, मेल आईडी और कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी वहां पर पूछे उसको भर के सबमिट करना है। इससे हम आपसे जोड़ सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं ये आप यहाँ पर, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।